आगे मैं देख रहा हूँ यार, ये भी मुझे काफी ज्यादा न्यू और स्मार्ट लुक के साथ देख रहे हैं, मीटर के साथ। ये है डबल मोटर ऑटो इंक्लाइन। अच्छा ठीक है, ये आगे से ऊपर उठ भी जाती है। अच्छा, टेल शेप बन जाता है, पैसे को जरा यूं है ना, हम उनसे ही पैसे कम करवा कर आपको दे देंगे। अच्छा अच्छा, तो कोई ज्यादा मसला चले नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको आप जरूरी नहीं है आप कराची से ही, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, बहुत से दूसरे शहरों से देखने वाली भी हैं, तो भाई आप लोग यहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ रेट भी आप मुझे उम्मीद है मैंने अंदाजा करा है कि आपके रेट, यार मैंने सुना है कि रेट आपके बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये क्या वैसे मसाजर हैं, बेल्ट नजर आ रहे हैं इसमें मुझे, डिफरेंट बेल्ट हैं, आप छोटी मोटे पार्ट की जैसे एब्स की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सही है ठीक है, विंग्स की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस बार एक और न्यू ब्लॉग के साथ हम लोग हाजिर हैं। अच्छा, इस बार हम लोग आए हैं ये लाइट हाउस के पास, जो जिमनेजियम और इन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है, जो जिम प्रोडक्ट्स और एक्सरसाइजिंग फिटनेस इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। और अब हम आज यहाँ दुकान पे एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट के पास हैं, डंबल्स हैं या रेजिस्टेंट बैंड हैं, और कौन कौन से जो जिम इक्विपमेंट है वो वाले को क्या क्या चीज़ें इनके पास, जैसे कि वो बाइसाइकिल, जो बाइसाइकिल होती है जिम, साइकिल जो होती है, या फिर वो जो ट्रेडमिल होता है। तो अभी हम चलते हैं, इनसे पूछते भी, बात भी करते हैं, और किस रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये भी आप यहाँ पर जान के हैरान हो जाएंगे। आप अपने जिम को फौरन से क्विट कर देंगे और घर पे अपना जिम का रूम खोल देंगे। तो अभी मैं एम एफ फिटनेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आ गए और यहाँ ये भाई होते हैं, क्या नाम है भाई जान आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ज़करिया नाम है। ज़करिया, अच्छा ज़करिया भाई, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, आपकी शॉप में मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा फिटनेस के हवाले से हर तरह की मशीनें मौजूद हैं, हम लोग तो इतना ज़्यादा अभी नहीं जानते, तो इसीलिए आप मुझे डिटेल्स में बताइएगा कौन कौन सी मशीनें आपके पास, ऑटोमेटिक हैं, मैनुअल हैं? सर हमारे पास तो सबसे पहले होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल्स। अच्छा, जितने भी आपके पास वेट कैपेसिटी है, 100 है, 80 है, 150 है, 200 केजी वाली भी अगर ट्रेडमिल्स आपको चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। और बाकी हमारा जो सेटअप है वो यूज़ का भी है, न्यू का भी है। अच्छा, अगर यूज़ में अगर आप चाहते हैं ना, तो हमारे पास बिल्कुल माइनर यूज़, जैसे ये देखिए, वैसे ये दिखने में मुझे ये नहीं लग रही है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल माइनर यूज़, एक हफ्ता चली हुई, दो हफ्ता चली हुई, इस तरह की ट्रेडमिल्स होती हैं। देखें अगर आप इस पर देख रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल न्यू ही लग रही है, कोई भी देख के मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये यूज है जी। और ये आप इसका मैट वगैरह और सब प्रॉपर बिल्कुल ही। अच्छा, ये सारी इंपोर्टेड होती हैं ज़ाहिर है सर? सारी इंपोर्टेड रखी हुई है। और अगर न्यू में अभी मैं इसको यूज़ में दे रहा हूँ 75,000। अच्छा सर, इसी तरह अगर आप न्यू लेने जाते हैं तो ये इस टाइम पे है 1.5 लाख रुपये के। अच्छा, यानी तकरीबन आधा फ़र्क आ रहा है रेट का, यूज़ में है लेकिन बिल्कुल माइनर यूज है, बड़ी ही बेहतरीन किस्म के ट्रेडमिल्स। अच्छा अच्छा, इसी तरह अगर आपको सिंगल मोटर्स में चाहिए, डबल मोटर्स में चाहिए, न्यू मॉडल चाहिए, ओल्ड मॉडल चाहिए, तो हर चीज़, हर किस्म की ट्रेडमिल्स अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा इसमें वैसे एक बात मुझे बताएंगे, इसकी क्या वारंटी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम यूज़ ले रहे हैं इसको, तो इसमें आप क्या कुछ वारंटी देते हैं कुछ टाइम के लिए? लाइफ टाइम सर्विस बैकअप होता है आपके। ओ, अच्छा ठीक है, आपको अगर आपकी मशीन कहीं से मोटर वगैरह सर्किट से ख़राब हो जाता है तो हम इजीली रिपेयर करवा देते हैं, वो जहां बाहर से 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा करवाएंगे वही हम 2-3 हज़ार रुपये के अंदर आपको इजीली बना कर दे देंगे। अच्छा जी, तो फिर अच्छी बात है, अगर आप लाइफ टाइम उसकी सपोर्ट दे रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हर महीने 1.5 महीने बाद सर्विस आपको करवानी होती है। अच्छा ठीक है, फ्री सर्विस है हमारे पास, जब तक आपके पास ट्रेडमिल पड़ी है फ्री सर्विस है। अच्छा, फ्री सर्विस, आने जाने के 500 लेता है, कराची में कहीं पर भी है वो, चले सिर्फ आने जाने के 500 लेगा, बाकी अंदर से पूरी वो खोल के सर्विस करता है, ऑयलिंग करता है, ठीक है, इसके स्प्रे वगैरह होते हैं वो मारता है, तो उसके कोई चार्जेस, तो उसके कोई चार्जेस नहीं। तो यार आपको हर महीने करानी है सर्विस, आपको हर महीने 1.5 महीने बाद, जब भी आपको लगे कि यार ये थोड़ी लूज हो गई है, जिस तरह मैं लेकर गया था वो परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो फिर ये है कि आप इसको सर्विस। तो ये आगे मैं देख रहा हूँ यार, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा न्यू और स्मार्ट लुक के साथ देख रहे हैं, मीटर के साथ। ये है डबल मोटर ऑटो इंक्लाइन। अच्छा ठीक है, ये आगे से ऊपर उठ भी जाती है। अच्छा, और टेल शेप बन जाता है, मैं इसको ज़रा ऑन करता हूँ, ये आप व्यूअर्स को दिखाइएगा, ये देखिए लाइटिंग्स वगैरह इसके बहुत प्यारी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा मीटर लग रहा है। हाँ, कार का मीटर वही भी, हम इसको खुद ही होंडा कोरोला बोलते हैं। हाँ, ऐसा ही है, कोरोला टाइम मीटर है इसका। देखें इंक्लाइन में करता हूँ, ये आगे से काफ़ी ऊपर हो जाएगी। अच्छा, ऊपर होने से क्या होता है, ट्रेडमिल के होंडा या ट्रेडमिल की कोरोला अगर आपको चाहिए तो ये वाला मॉडल, और नो डाउट ये कितनी स्मूथ आप देख सकते हैं रनिंग में। अच्छा, ये हल्का हल्का जो ऊपर आ रही है, ये आप कह रहे हैं इंक्लाइन हो जाती है? इंक्लाइन हो जाती है, माउंटेन शेप बन जाता है, पहाड़ी नुमा शेप, या पहाड़ पर चढ़ते हैं आपका फोर्स ज्यादा लगता है, ये ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, कैलोरीज आपकी ज्यादा बर्न होंगे इससे। यार ये तो बहुत बेहतरीन। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस है वैसे? सर ये है अभी 85,000 की हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, न्यू इस टाइम पे लेने जाएं तो 160 की है ये न्यू। यार अच्छी खासी, ये देखें अगर आप, और ज़्यादा साफ़ सुथरी कंडीशन इसको कहेंगे, मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अगर आप समझो इसको एज अ नई है, क्योंकि बहुत हद तक देखने से आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता, काफ़ी वेल मेंटेन है, और इसका भी वही हिसाब किताब है, 1 महीने बाद आपको इसकी
मेंटेनेंस करवानी है वो फ्री मेंटेनेंस है। जो भी आप ट्रेडमिल्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज साइकिल्स वगैरह ले रहे हैं, उन सब की यही वारंटी है। बाकी इसके साथ देखें, कुछ के साथ MP3 साउंड सिस्टम भी है, स्पीकर ये मोबाइल के साथ कनेक्शन कर लेंगे, स्पीकर्स में आप नाच सुनना चाहें, तिलावत सुनना चाहें। ये जब भी ये स्पीकर नज़र आ रहे हैं, जीवी स्पीकर नज़र आ रहे हैं, और इस वाले मॉडल में थे स्पीकर वाला, इसमें स्पीकर्स तो हैं लेकिन वो बीप की आवाज़ के लिए। अच्छा, आप मोबाइल के साथ कनेक्शन कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो आप म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक वगैरह बना लो, आप कुछ भी सुन सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत ही स्मूथ आप देख सकते हैं, बहुत ही कंट्रोल भी बहुत इजी हैं। हाँ जी, देख के आइडिया हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये जो आगे लगी हुई है ये भी उसी में आएगी, ये भी बिल्कुल सिंगल मोटर है, सिंगल मोटर है। अच्छा, इसमें आपने मुझे डबल मोटर का बताया, ऐसा ही है ना? डबल मोटर में क्या कस्टमर जो है ना वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं डबल मोटर होगी तो ज़्यादा पायदार होगी। डबल मोटर का मतलब होता है एक मोटर ड्राइव कर रही होती है, उसी मोटर से इंक्लाइन हो रहा होगा। ओह अच्छा, ये डबल मोटर है, सही है। समझते हैं कि दोनों मोटर ही ड्राइव कर रही हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं। सिंगल मोटर होती है हर किसी ट्रेडमिल में, इंक्लाइन डिक्लाइन का, इसमें इंक्लाइन डिक्लाइन का ऑप्शन तो है लेकिन मैनुअल है। ओह देख सकते हैं, ये सही है। आप इंक्लाइन कर लेंगे, अभी आप करेंगे तो इंक्लाइन पे चली जाएगी, ये लेवल्स बने हुए हैं इसके थ्री, मैनुअल इंक्लाइन के ऑप्शन के मिल जाएंगे आप। अच्छा, बाकी इसको ऑफ करता हूँ ताकि हाँ इसको आप ऑफ कर दें। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस के साथ। अच्छा, इस वाली क्या? बाकी ये देखें, ये तो फिलहाल सेल हो चुकी है। अच्छा, ये सेल हो गई, सेल हो चुकी है, इसका एडवांस आया हुआ है। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी और शहर से हैं, ठीक है, किसी और शहर में हैं और आप मंगवाना चाहते हैं कराची से, तो ये है कि आप एडवांस पेमेंट हमें कर देंगे, ठीक है, हमारा आपको नंबर वगैरह भी अभी आपको बता दूँगा। एडवांस पेमेंट आप कर देंगे, ठीक है, तो हम आपको इसको पूरी तरीके से इसको पैक करेंगे, हर तरह से कॉटन लगाएंगे, थर्माकोल वगैरह लगा कर पैक करके आपके पास। अच्छा, आप दूसरी सिटी भी आप उसको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल प्रॉपर पैकेजिंग रैपिंग के साथ। अभी इधर इलेक्ट्रॉनिक एक ट्रेडमिल रखी हुई थी जो मैंने सेल करी है, वो गई है सखर। अच्छा, सखर गई है। आप अंदरूनी सिंध मंगवाना चाहते हैं, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ भी पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। ये काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस है, ये आपको बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ से खरीदते हैं, आप इनकी डिलीवरी सर्विस से फ़ायदा उठाते हुए, अच्छा बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में आप पहुँचाएंगे कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ हल्का फुल्का भी टूट फूट हो गई है, क्योंकि लोग डायरेक्ट टेंशन में होते हैं। पहले तो ये था कि हो जाती थी, लेकिन जब से अब हमारी रेगुलर जाने लग गई है ना यहाँ से, पहले भी आपसे पहले भी आए हैं यहाँ पर जिन्होंने मतलब ये मंगवाई है हमसे, सही है, एडवांस पेमेंट कर दी और वहाँ पे मंगवाई है, तो ये हुआ है कि फिर उनसे कोई मसला नहीं हो, अगर कोई मसला आ भी जाए ना तो हम उनसे ही पैसे कम करवा कर आपको दे देंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो कोई ज़्यादा मसला चले नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आप ज़रूरी नहीं है, आप कराची से ही हैं, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से दूसरे शहरों से देखने वाली भी हैं, तो भाई आप लोग यहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ रेट भी आप मुझे उम्मीद है, मैंने अंदाज़ा करा है कि आपके रेट, यार मैंने सुना है कि रेट आपके बहुत अच्छे हैं, जब भी जी बिल्कुल, मैं जब भी बोल रहा हूँ आपसे, मैंने पहले रेट अच्छे लगे हैं जब भी मैंने आपकी वीडियो के लिए हवाले से बात की है। चले हम आगे इसको देखते हैं, आगे मैनुअल मशीन नज़र आ रही है मेरे ख्याल से ना। अच्छा, ये मैनुअल ट्रेडमेंट। अच्छा, ये लास्ट वाली की वैसे रेट मिस होगा शायद, ये क्या रेट है इसके? ये सर 75,000, ये 75,000 की है, सही सही, ठीक है। ये देखिए सर, ये मैनुअल आ गई भाई, जिसका बजट कम है और मैनुअल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये ज़रूर एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। ये मैनुअल देखें, आप मैनुअल देख रहे होते हैं, यूज़ में अगर देखते हैं तो बहुत ही ख़राब कंडीशन। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है इसमें तो, मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी ज़्यादा है, देख के लग नहीं रहा, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं से देख के ऐसा अंदाज़ा हो नहीं रहा। रोलर्स देखें बिल्कुल सिल्वर, कोई प्रॉपर नहीं लगा, क्रोम वगैरह हुआ हुआ है, कोई पेंट कहीं से मुझे उखड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई जंगा निशान नहीं है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये। अच्छा, इसमें कोई आपको इसमें क्या, इसकी क्या मेंटेनेंस होती है यार, इसमें देखा जाए ये ग्रीसिंग होती है इनके रोलर्स में। अच्छा। इसकी भी हमारी सर्विस वारंटी है। अच्छा। आप महीने डेढ़ महीने बाद बुलाएं, सही है, ग्रीसिंग कर जाएगा, कहीं से इसके नट बोल्ट अगर लूज हो जाते हैं वो आपको टाइट करके, ठीक है, सिर्फ पूरे कराची में है तो 500 विजिटिंग चार्ज। अच्छा, सिर्फ विजिटिंग चार्ज है, इसके भी आप कोई सर्विस फीस नहीं है इसकी, और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस सर ये इस टाइम पे अगर न्यू लेने चाहें तो 35,000। अच्छा, हम यहाँ पर ये दे रही है 18,000, 18,000 रुपये, सही है यार, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में 18,000 रुपये में आपको मैनुअल मिल सकती है, अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते और आप मैनुअल की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये एक अच्छा ऑप्शन है। कंडीशन वाइज मैं देख के बता रहा हूँ आपको, जब आप आएंगे तो अंदाज़ा होगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट नई जैसी कंडीशन है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट पर यार ये क्या, इस तरफ मशीन है, ये भी शायद मैनुअली है मेरे ख्याल से, नहीं ये है ऑटो। अच्छा, ये ऑटो है, ये है एसी मोटर में, अगर आप कंटिन्यू 4-5-6 घंटे या जिम वगैरह में रखना चाहते हैं मशीन, ठीक है, तो ये उस हिसाब से बड़ी बेहतरीन हो जाती अच्छा। है। इसमें कोई डिजिटल आपको पैनल वगैरह तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो आपके आपको पल्स बताए, डिस्टेंस बताए, जो मैंने आपको पहले दिखाई उनमें जी सब जी, है, उनमें सारी डिटेल्स आएगा, स्पीड आएगी, कैलोरीज आएगी, पल्स आएगा, लेकिन इसमें ये है कि मैनुअल ऑप्शन है, रेगुलेटर इसमें एक लगा हुआ होता है। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा हाँ लोग दिखा दें ताकि ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की है। अच्छा, ये देख सकते हैं भाई,
बिल्कुल समझ लें कि है इसमें भी काफ़ी डिस्प्ले वगैरह इसमें तो ये आप टाइम स्पीड वगैरह तो बताता है सही है बता इसमें क्या है ये आप बटन ऑन करेंगे जी बटन ऑन करके ये चीज़ है इसको ऊपर करेंगे मशीन अच्छा ये मशीन ऑन हो गई है इस तरह सही सही मशीन हो जाएगी ये रेगुलेटर दिया हुआ है अच्छा ये फास्ट भी कर रहा है इसको फास्ट करेंगे स्लो करेंगे ये इस तरीके से आप इसको फास्ट एंड स्लो कर सही सही ये देखिए भाई सब यहाँ से पूरी डिटेल्स बता रहे हैं ये सर ये अभी भी आते हैं न्यू अगर कहते हैं तो मिल जाएगा अच्छा अच्छा ये एसी मोटर रफ एंड टफ अगर आप कहते हैं ना जिम में यार मशीनें बार बार ख़राब हो जाती हैं ये ऐसी मशीन है कि आप इसको ले लिया और भूल गए मशीन कभी भी नहीं सुना कि कभी ख़राब हुई अच्छा कभी भी जैसे जितनी गंदी हालत में हो क्योंकि इसमें ना एसी मोटर होती है बाकी में डीसी मोटर्स हैं इसमें एसी है आप 4-5 घंटे इसको कंटिन्यू चला सकते हैं ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है यानी आप एक बोल रहे हैं कि ये लंबा अरसे के लिए अगर आपको लेके चलानी है ना नहीं चाहते हाँ। कहते हैं यार मुझे अपने मकसद से मतलब है मुझे वॉकिंग चाहिए रनिंग हाँ सही है उसके हिसाब से बहुत तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अच्छा प्राइस बताएं इसकी प्राइस क्या है प्राइस सर ये इस टाइम पे आपको पड़ जाएगी 55,000 अच्छा सही है इसकी मैं 9 out of 10 कहूँगा बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन है एस सच कुछ इतना अंदाजा हो नहीं रहा आपको कि यार बहुत ज़्यादा पुरानी है और सही है रेट अगर आपको उसके 75 के मुकाबले में इसमें आपको कितना बताया 55 बताया आपने 20,000 रुपये का फर्क आ रहा है वेट कैरी करें अच्छा 150 के ये तो अच्छा खासा बेहतरीन हो गया ये बेल्ट में हर चीज़ हाँ नीट एंड क्लीन है चलें ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास थोड़ा सा रेंज कम है और आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो सही 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 ये आगे मेरे ख्याल से दोबारा वही मशीन आ रही है डीसी मोटर्स अगर आप लेते हैं जी 150-160 मतलब फुल हैवी ट्रेडमिल्स ये तो अलग ही इसका लुक आ रहा है भाई इस टाइप की अगर आप लेते हैं मतलब बहुत ही काफ़ी है जिम वगैरह में आप रखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिम होता है ना ये उसमें नज़र आती है आप चलते हैं ना इसके ऊपर तो पता चलता है हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है इसका अच्छा ये देखें आप कितनी स्मूथ है और डिस्प्ले है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है हर तरह की इंफॉर्मेशन इसमें नज़र आ रही है आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलर हैं इसके इस तरफ लिप्स दिए हुए आपको रफ एंड टफ है मजबूत चीज़ बनी हुई और ये देखें ना अभी चल रही है मुझे अंदाजा भी नहीं हो रहा ना इसकी कोई साउंड है बिल्कुल स्मूथ इसकी रनिंग है अच्छा ये क्या ये इसमें क्या इसकी खासियत है इसमें क्या मोटर का फ़र्क है या क्या होता है इसमें सर इसमें मोटर भी बड़ी लगी हुई होती है प्लस ये कि इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है 180 kg बने आराम से इसको यूज़ कर सकते अच्छा 180 kg है और प्लस डबल मोटर ऑटो इंक्लाइन है ये भी आगे से इंक्लाइन हो जाती है ऑटो है ये भी यानी आप अगर इसका इंक्लाइन तो बहुत ही ज़्यादा है अच्छा बहुत ज़्यादा है आपको पता लग जाएगा जब इसका इंक्लाइन अच्छा नहीं नहीं मुझे इसकी पूरा बॉडी वाइज देख के आइडिया हो रहा है ये अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक हैवी ड्यूटी मशीन है ये कोई जनरल सी मशीन नहीं है जैसे हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से अच्छा रेट बताएं इसके भाई इसके रेट भी ज़रूर अगर इस टाइम पे न्यू लेके जाते तो 3-3.5 lakh rupees अच्छा इस टाइम पे ये दे रहे हैं आपको 1,20,000 rupees अच्छा यार काफ़ी ज़्यादा कम है अगर ये नए के मुकाबले में मैं रेट देखूँ तो ये आधे से भी कम है तो बहुत सही आपको इनकी चीज़ें मिल रही हैं इसकी भी अच्छा वही मेंटेनेंस सारी चीज़ें बाकी वही हैं आप इसको किसी भी शहर डिलीवर भी करवा देंगे पैक करवा के ऐसा ही है उसके अलावा आप इसकी फ्री सर्विस दे रहे हैं कराची में जो कि आप सिर्फ चार्जेस लेंगे आने जाने के जिसमें ऑटो सिटी अगर इसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना हाँ तो हम उसके पार्ट्स आपसे मंगवा लेते हैं अच्छा ठीक है मंगवा कर उसके हम ओके करके उसको बना कर आपको दोबारा अच्छा अच्छा उसमें भी आप इतना हेल्प कर देते हैं कि आप वो पार्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं वीडियो कॉल करते हैं आप हमें हम आपको बताएंगे आप इसका ये वाला तार उतारे जी जी हमें पैक करके टीसीएस देखिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है आफ्टर सेल्स सर्विस लोग जब ये चीज़ें लेते हैं ना तो फिर आफ्टर सेल्स वो सब बातें लोग कुछ लोग आपको पता है लेके भूल जाते हैं यार पहचानते नहीं है कि यार आपने ली थी अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विस दे रहे हो तो नो डाउट क्लाइंट आपका हमेशा रहता है और वो आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक कस्टमर को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो हम सिर्फ उससे नहीं उसके पूरे खानदान से करेंगे सही बात है ऐसा ही ऐसा बात नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट कस्टमर को अगर चीज़ देंगे अच्छी तो जाहिर है वो आगे भी आपको हाँ बिल्कुल वो आगे भी रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को बिल्कुल तो ये अच्छी चीज़ है अच्छा चलें ये सारी आपने मशीनें दिखाई भाई बहुत ज़्यादा मुझे इनके पास अच्छी एडवांस मशीनें नज़र आई हैं और रेट्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हैं मार्केट के मुकाबले में तो ज़रूर विजिट करें अगर आप इस तरह की मशीनें देख रहे हैं और उसके अलावा भाई आप बताएं मुझे यहाँ पीछे मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक्सरसाइज साइकिल्स भी हैं अच्छा स्टार्ट में अच्छा इसके हवाले से थोड़ा सा पहले बता दें वो भी हम देख लेते हैं कि ये जो रखे हुए हैं ये क्या चीज़ हैं ये भले आप स्टॉप कर दें ये मशीन को अच्छा ये सामने जो रखे हुए हैं ये क्या वैसे मसाजर हैं बेल्ट नज़र आ रहे हैं इसमें मुझे डिफरेंट बेल्ट्स हैं आप छोटी मोटे पार्ट की जैसे एब्स की एक्सरसाइज करना चाहते सही है ठीक है विंग्स की एक्सरसाइज शोल्डर की एक्सरसाइज पुशअप्स लगाना चाहते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज उनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट दिए हुए आपको सही है बॉल्स हो गए पुलअप बार्स हो गए पुशअप्स के लिए स्टैंड हो गए हाँ एक्सरसाइज व्हील है एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो भी छोटे छोटे हैं ना तमाम अवेलेबल है वेट स्केल अगर आपको चाहिए डिजिटल में चाहिए
अच्छा अच्छा वेट स्केल भी हैं ये आप, सही सही सही, हाँ ये भी आपके पास मिल रहे हैं, लोकल भी मिल जाएंगे इम्पोर्टेड भी मिल जाएंगे। अच्छा ये तो सारे नए चीज़ें हैं ना, ये तो सारे नए पार्ट हैं, देख के अंदाजा ही हो रहा है। अच्छा अच्छा ये काफ़ी, और इसके क्या रेट्स हैं यार, मतलब थोड़ा सा अगर आप जनरली रेट का आइडिया बता दें, जैसे ये लगा हुआ है सामने अब ये देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 2200 टाइम जो अभी इसकी कीमत है, आपको ऐसे भी पता है रेट। नहीं नहीं अब तो आजकल आपको आज नहीं पता होता। ये मिनी एक्सरसाइज बाइक क्या है यार, ये मिनी एक्सरसाइज बाइक ये सर ये आप रख लेते हैं अपने पाँव पर या हाथ पर। अच्छा एक्सरसाइज के लिए आप चेयर पर बैठ जाते हैं जैसे आप, ये आप जो इसको मुझे बता रहे थे कि भाई ये मिनी एक्सरसाइज बाइक है, ये सिर्फ हमने अपनी चेयर के आगे रख ली, चेयर के आगे रख ली, आपने पाँव की एक्सरसाइज करना चाहते हैं नीचे रख के आप पाँव की एक्सरसाइज कर लेंगे, हाथों की एक्सरसाइज करना चाहते हैं टेबल वगैरह वो आपके पास कोई भी ऊपर थोड़ा सा ऊपर जगह होनी चाहिए उसमें आपके जिससे आप हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा ये साइड साइड में अगर आप देखें तो तमाम अलग अलग टाइप्स के जो भी हैं, ये पुशअप बोर्ड्स है, मिनी साइकिल्स आ गए हैं, देखिए सारे आगे मैट्स पड़े हैं, ये मैट्स योगा मैट्स हैं, योगा मैट्स है, अलग अलग क्वालिटी के हैं, कितनी फिटनेस में चाहिए आपको, रोलर्स वगैरह हैं, आप इम्पोर्टेड भी रखे हुए हैं। अच्छा इसमें लोकल्स भी हैं और इम्पोर्टेड भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं। प्राइसेज आप मुझे बताएंगे कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं? डिपेंड लोकल कम से कम जो है ना आपको मिलेगा 1000। अच्छा अगर इम्पोर्टेड देखते हैं तो वो कम से कम मिलेगा आपको 1600 जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी का होगा, दबेगा नहीं और 3-4 वाला होगा। अच्छा अच्छा ये आप बाईसाइकिल्स का बता दें एक्सरसाइज, क्योंकि ये भी बहुत लोगों की आजकल जरूरत होती है। ये क्या मैनुअल है ऑटो है? सर ये है मैनुअल। अच्छा ये मैनुअल है। अच्छा मैनुअल तो है लेकिन इसमें ये है कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। अच्छा कुछ लोग चाहते हैं जिनका बजट नहीं होता ट्रेडमिल वगैरह, नहीं बिल्कुल ऐसा ही उनके लिए ये है। यार ये जगह भी बहुत कम ले रही है, कम जगह है क्योंकि बस स्पेस का इशू उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए बैठ के चला लेंगे आप, परफेक्ट, अभी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रनिंग करनी है तो आप, अच्छा बेहतरीन ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, काफ़ी ज़्यादा इतनी सी स्पेस में आपको पूरी बॉडी की यहाँ एक्सरसाइज मिल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, और स्पीड भी इसमें आप पर है, आप कितने ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ड करेंगे ना वही है जैसे वहाँ पर इंक्लाइन करेंगे आपको ज़्यादा फोर्स का, सही कह रहे हैं, इसमें भी हार्ड करेंगे आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा, कैबिन काफ़ी ज़्यादा है। नहीं आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा इसकी क्या वैसे इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस पे तो नहीं वो होता, क्या होता है मेंटेनेंस? सिलाई मशीन वाला ऑयल होगा, ओह सही है, वो इसके चेन में डाल, बस वो इसके उसमें डालना है, मतलब ये 10-15 दिन बाद इसकी तो आपको मेंटेनेंस का भी यानी टेंशन नहीं है जो ले रहा है। अच्छा इसकी क्या प्राइस है सर? ये आपको मिलेगी 19,000 रुपये में। अच्छा ठीक है, टाइम पे लेने जाएं 40-35 यानी देखा जाए वही आप सही कह रहे हैं, हाफ प्राइस नहीं कंडीशन में देख रहा हूँ आपकी तमाम आइटम्स की, मुझे कंडीशन कोई ज़्यादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा देख के यार, बहुत ज़्यादा रफ हो या यूज हो। अच्छा ये बराबर में जो पड़ी हुई ये भी वही उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से है। अच्छा दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों के सेम है वो चीज़ है। अच्छा ये जो आ गई ये वाली साइकिल इसमें थोड़ा सा पेडल का फर्क आ गया है इसमें मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये वाली भाई ये मशीन जो है ना ये तो सबकी ये जैसे स्पिन बाइक कुछ लोग मांगते हैं जिसको अपने जिम वगैरह में रखनी होती ना, सही है फुल कमर्शियल। अच्छा कुछ स्पिन बाइक ऐसी आती हैं जो कि बहुत ही वेट वगैरह नहीं होता लेकिन आप लगाएं ना ये फुल सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा 30-35 kg इसका खुद अपना वेट है सिर्फ व्हील का, सिर्फ व्हील का है। आप सर इसको उठाएं ना आपको थोड़ा नहीं, नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, देख के अंदाजा हो रहा है तो बहुत भारी भाई, उठ भी नहीं रहेगा बिल्कुल, ये ऐसे ही है क्योंकि रफ एंड टफ है, 200 kg वेट कैरी कर लेगी। अच्छा ये उसके मुकाबले में अलग ही दिख रही है जो इसकी बनी हुई है ना, लुक वगैरह भी अच्छी है इसकी, नो डाउट लुक भी ज़्यादा है, मेड इन जर्मनी है। अच्छा मेड इन जर्मनी का ब्रांड है। प्राइस में फिर भी आपको कहूँगा कुछ फ्लेक्सिबल, अगर कोई आता है हमारी हमारा जो भी व्यूअर है उसके साथ आपको स्पेशल कुछ ना कुछ डिस्काउंट करना होगा। अब जिस मशीन के बारे में आपसे पूछने वाला हूँ ना भाई, वो ऐसी मशीन है जिसको देख के मुझे भी ये हो रहा है कि यार ये मैं घर ले जाऊँ, बल्कि सभी को होता है कि ये एक मशीन घर पे ज़रूर होनी चाहिए। तो ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये पूरा होम जिम ही कहेंगे इसको, या इस वजह से जिम मशीन का क्या नाम कहलाता है सर? ये होम जिम कहलाता है, ऑल इन वन एक्सरसाइज कहलाता है, जिसमें हर किस्म की एक्सरसाइज है, चेस्ट की एक्सरसाइज मिलेगी, थाइस की, बाइसेप की, ट्राइसेप की, विंग्स की, शोल्डर, हर चीज़ इसमें कवर हो जाती है। बाकी वेट्स वगैरह आपने दिया हुआ है 75-80 kg वेट दिया होता है आपको भाई, इसकी अगर प्लेट्स भी देखें तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी, ये भी देखें तो आप प्लेट्स वगैरह, ये भी मेरे पास यूज़ में रखी है। अच्छा ये यूज़ में लग नहीं रही थी, मैं यही बोल रहा था कि यार ये नई होगी, न्यू अगर इस टाइम पे लेने जाएँ तो 1,30,000-1.5 लाख रुपये तक की अच्छा अलग अलग आ रही है,
अच्छा ये वैसे ये इसकी क्या क्वालिटी कहाँ की है, यहीं की बनी हुई होती है या ये भी इम्पोर्टेड ही होती है? ये भी सर इम्पोर्टेड होती है, ये भी इम्पोर्टेड क्वालिटी में बनती है ना, तो बहुत हल्के फ्रेम की बनती है। वो देख के मुझे आइडिया हो रहा है काफ़ी ज़्यादा जो इसकी बिल्ड है ना, मतलब देख के आइडिया हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो है। अच्छा ये आप देखें इस तरफ से, मैं आपको दिखा दूँ तमाम इसमें चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, कहीं से आपको नहीं बिल्कुल बल्कि नए ही लग रहा है। आप देखें इस पर पूरा रैप हुआ है, ऊपर बार भी है और सारी कंडीशन, कहीं से भी कलर वो नहीं हो रहा, बिल्कुल ब्रांड न्यू कलर की तौर पर। अच्छा इसकी मेंटेनेंस आपको बतानी है, इसकी क्या प्राइस है सर? इस टाइम पे आपको मैंने न्यू के प्राइस बताया, आपने न्यू के बता दिया मुझे, इसके बताएं फाइनल अगर हमारा कोई प्लान चाहता है ना आपकी तरफ से, जी जी उसको फाइनल ये हम दे देंगे 70,000 यार। ये आपने प्राइस नो डाउट अच्छी बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ज़्यादा लोग रखने के शौकीन हैं इसको, जिनके पास घर में जगह है, वह ज़रूर इस प्राइस को कंसिडर करेंगे और उनको आइडिया होगा कि भाई इस तरह की मशीन क्या प्राइस चल रही है। अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या करना होता है? मेंटेनेंस मेरे ख्याल से ऑयल वगैरह से ऑयलिंग पुलिस वगैरह में ऑयलिंग हो जाएगी, ग्रीसिंग हो जाएगी, बाकी इससे कोई मसला नहीं आता। ये बेहतरीन है यार ये। अच्छा उसके अलावा भी यार बाकी आपने सारी चीज़ें दिखाई है, आपके पास डंबल वगैरह भी सब मिल जाएंगे, अगर डंबल चाहिए हो तो वो भी आपके पास मिल जाते हैं। अच्छा जकरिया भाई मुझे थोड़ा सा डंबल्स का ही बता दें, कुछ लोग ज़ाहिर है डंबल देख रहे होते हैं तो उस हवाले से आप मुझे थोड़ा सा बताएं। ये डंबल्स वगैरह भी हैं 1-10, आप जितने भी केजी का चाहिए आपके पास हमारे पास अवेलेबल होता है। डंबल रैक्स मिल जाते हैं। अच्छा इनका केजी का हिसाब होता है, हाँ ये आपको पड़ते हैं 280 पर केजी। इस वक्त जो इसका रेट है, फिलहाल रेट बढ़ रहे हैं, अच्छा लेकिन इस वक्त जो इसका रेट है वो आपको मिलेगा 280 पर केजी। इसमें आयरन में लोहे में सर? ये रबर कोटेड है, अगर लोहे में अगर आपको चाहिए आयरन में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। वैसे मेरे हिसाब से फ़ायदा ज़्यादा जो है वो रबड़ वाला है। रबड़ वाला है सर ये, अगर ये है ना कि आप इसको यूज़ करें रबड़ का बनवाया तो टाइल्स वगैरह आप पे भी आप यूज़ करें बेहतरीन, कोई मसला नहीं, बाउंस करेगा यार। अच्छा हाँ मैंने देखा वो बाउंस, लोहे वाला अगर गिर जाए तो उसी टाइम आपका टाइल गिर देगा, अगर पाँव पे गिरा तो आपका पाँव भी गिर गया। नहीं यार ये अच्छी चीज़ है, मुझे दिखाइएगा ये कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो रबड़ में बहुत अच्छे। अच्छा ये कहाँ तक है, मतलब इनकी क्या वेट तक है? ये एक का दिख रहा है, दो सर ये आपको जितने मर्जी चाहिए, मतलब अच्छा, जितने भी केजी का चाहिए रेट होगा वो आप के लिए अवेलेबल है। 10 का चाहिए, 20 का, 15 का, ठीक है 25 का, 35 का, 280 बताए, 260 बताए, 280 बाई केजी बताए। अगर हम 10 किलो का लेते हैं तो फिर उसकी क्या प्राइस बन जाएगी? 280 कम से कम 5,600 रुपये का पेयर मिल जाएगा आपको, 5,600 का पेयर मिल जाएगा जो कि एक सही अमाउंट है, अच्छी चीज़ है अगर आपको। अच्छा वो भी आते हैं वॉलेट जिसमें पहले आते थे शायद, एक्सचेंज हो जाता था, वो भी अवेलेबल है, अच्छा वो भी अच्छी चीज़ है क्योंकि वो भी अक्सर ऐसा होता है लोगों को एडजस्टेबल की तरफ देख रहे होते हैं। तो भाई ये देखें यहाँ प्लेट्स वगैरह हमारे पास, हाँ प्लेट्स वगैरह का एडजस्टेबल अगर आपको चाहिए ना, जैसे ये प्लेट्स हैं ये भी रबर कोटेड हमारे पास, अच्छा अच्छा ये भी रबर कोटेड प्लेट्स हैं और ये रबर कोटेड ही लें आपको मशवरा है, क्योंकि जो लोहे वाले जो है ना उसमें वेट ऊपर नीचे होता है, अच्छा वेट ऊपर नीचे होता है, दूसरा ये कि रब भी होते हैं, तीसरा ये कि अवेलेबल हैं मिल जाएंगे हमारे पास से, लेकिन आपको मशवरा ये है कि आप रॉड्स वगैरह तो आपको बता देता हूँ। अच्छा हाँ बस आप मुझे रॉड्स वगैरह, तो भाई ए टू जी आपको यहाँ एक्सरसाइज की चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए ये आपको यहाँ तमाम तरह की चीज़ें जैसे ये रॉड्स आ गई इसकी, सही है सही है। ये आप प्लेट से एडजस्ट कर देंगे, आपने ये आप खोल लेंगे प्लेट एडजस्ट करके आपका डंबल बन जाएगा, बेहतरीन सही कह रहे हैं आप, नहीं ये परफेक्ट है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि फिक्स देखें ये 12 kg तक का भी यहाँ नज़र आ रहा है डंबल, तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि रबर कोटेड में चाहिए और फिक्स वेट के साथ चाहिए तो आप ये वाले ले सकते हैं, वरना आप चाहें तो मैनुअली लेके उसके साथ प्लेट्स लगा के बढ़ा सकते हैं। चलें तकरिया भाई काफ़ी ज़्यादा यार आपने मुझे डिटेल में बताया और नो डाउट मुझे आपकी शॉप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो नज़र आई हैं उसमें उनकी तमाम क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी है। सबसे ज़्यादा चीज़ों ने जो मुझे इंप्रेस किया है ना वो यार ये क्या कहते हैं क्या कहलाएंगी मशीनें ट्रेडमिल्स कहलाएंगी, हाँ जो कि हर तरह की ट्रेडमिल अच्छी थी और रेट्स आपने बहुत नॉर्मल अच्छे बताएँ। उम्मीद करता हूँ कि जब लोग आएंगे तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उम्मीद है क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैंने आपके साथ किया हुआ है तजर्बा, तो मुझे आपके रेट्स तो अच्छे मिले। तो ज़करिया भाई मुझे आप थोड़ा सा एड्रेस वगैरह गाइड कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ी मार्केट है लाइट हाउस की, तो आपकी शॉप के हवाले से आप कोई कार्ड वगैरह या एड्रेस का मुझे समझा दें थोड़ा सा। मेन लाइट हाउस पे आएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स मार्केट में जैसे ही आप आएंगे, जी जी आप याद रखिएगा मज़ार के बिल्कुल सामने, ठीक है, और बैंक बने हुए एक साथ लाइंस बनी हुई है, अलहबीब बैंक है, अलहबीब बैंक के बिल्कुल बराबर, बिल्कुल अलहबीब बैंक में फिटनेस है। अच्छा ये कार्ड आ गया, वही कार्ड आप देख सकते हैं, मेरे वालिद साहब का नंबर भी है, आबिद अल साहब मेरा नंबर भी है, आपका नाम भी आ गया, और ये देखें इसमें पूरी डिटेल्स मेंशन है नियर बैंक अलहबीब, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी तमाम शॉप की डिटेल्स डाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़करिया भाई, और मैं पूरी इंशाल्लाह डिटेल्स डाल दूंगा, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।